हाय डियर फ्रेंड्स दिस इज़ सुंदरम कुमार वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिग्री के बारे में चर्चा किए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण था उसका डेफिनेशन और उसका टाइप्स देखे थे अगर जो स्टूडेंट्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप उस पर जा आप उसको देख सकते हैं और मैं आपको कहूँगा मैं टेलीग्राम का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्सन में दे दूंगा जिसमें आपको पी डी सभी चीज़ प्रोवाइड होंगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुंदरम्स इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पे जाके आप उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हम कर लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्री के एक पार्ट्स पॉजिटिव डिग्री देखिए पॉजिटिव डिग्री आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है अब देखिए पॉजिटिव डिग्री को हम पी से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं पी अब देखिए आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि पॉजिटिव डिग्री है क्या ठीक है फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री हम लोग पॉजिटिव डिग्री का परिभाषा जानते हैं और उसको ये जानने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव डिग्री कहते क्या है तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन आप लोग भी अपनी कलम कॉपी निकालकर और उसका डेफिनेशन लिखना शुरू कर दीजिए तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं किसका तो पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री हैमन फॉर्म इट इट इज नॉन एज पॉजिटिव डिग्री डियर फ्रेंड्स जब कोई एजिकटिव या एडभव अपनी समान स्थिति में रहता है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में जानते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में जानते हैं डियर फ्रेंड्स जैसे अगर हम एग्जाम्पल पर डिस्कस करें तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं सी इज ब्यूटिफुल सी इज ब्यूटिफुल वह सुंदर है तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल जो है एजिकटिव है और वो अपनी सामान्य अवस्था में सामान्य फॉर्म में कॉमन फॉर्म में है इसलिए ब्यूटीफुल यहां क्या है पॉजिटिव डिग्री में है पीडी में है ब्यूटीफुल किस में है पीडी में है जैसे बोलते हैं पैसुनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल आप यहां देखिए यहाँ भी ब्यूटीफुल आया है तो यहाँ ब्यूटीफुल जो है वो एजेक्टिव के समान अवस्था कॉमन फॉर्म में इसलिए यहां ब्यूटीफुल यहां भी पीडी में है और उसी तरह हम बोल सकते हैं तो आप देखिए ब्रेव क्या है कॉमन फॉर्म में है तो ब्रेव बॉय भी लिख देते हैं तो यहाँ ब्रेव भी किस में है पीडी में है। तो मैंने यहां क्या समझा कि अगर कोई एजेक्टिव समान अवस्था में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं पी में कहते हैं ओके अब चलिए पी का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे समझने की हम कोशिश करते हैं और उसे मैं अच्छे तरीका से आपको समझाने की भी मैं कोशिश करता हूं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे ढंग से समझ में जाए फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट तो में अवश्य लिखिएगा तो चलिए अब इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप मेरी बातों को सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर पॉजिटिव डिग्री से दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना क्या हो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना क्या हो तो उसे हम क्या करते हैं कि सो या एच डॉट डॉट एच के बीच लिखते हैं अगर कोई फिर से सुन लीजिए अगर कोई व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना क्या हो तो उस पॉजिटिव डिग्री को हम सो so या एच डॉट डॉट एच के बीच लिखते हैं कंफ्यूजन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए चलिए अब यहाँ देखिए यहां दो आ गया सो so और एच अब देखिए हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं देखिए सो डॉट डॉट एच का प्रयोग सो डॉट डॉट एच का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं यानी जो निगेटिव सेंटेंस होगा उसमें आप डॉट डॉट एच का प्रयोग करें जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं ही इज नॉट सो गुड एज यू मैंने अभी क्या लिखा ही इज नॉट सो गुड एज यू यहां देखिए हम सो का प्रयोग किए क्यों किए क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ और ये एक निगेटिव सेंटेंस है जब ये निगेटिव सेंटेंस है तो मैं इस पॉजिटिव डिग्री को सो डॉट डॉट एच के बीच ही रखूंगा और यहां दो व्यक्ति के बीच तुलना हुआ जैसे देखिए ही कोई और व्यक्ति होगा और यू भी कोई और व्यक्ति होगा यानी दो व्यक्ति के बीच तुलना हुआ है इसलिए हम सो डॉट डॉट एच के बीच में रखे और दूसरा फैक्ट क्या था कि ये सेंटेंस निगेटिव था इसलिए हम सो ही लगाए ओके अब देखिए एच का प्रयोग कहां करेंगे एच डॉट डॉट एच का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं डियर फ्रेंड्स किस में करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में एच डॉट डॉट एच का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करें जैसे हम बोलते हैं सीता इज एच इंटेलिजेंट एज गीता सीता इज एज, एज इंटेलिजेंट एज गीता यानी आप देखिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए हम एच डॉट डॉट एच के మే ఇస్ ఇంటెలిజెంట్ కో రఖే ఔర్ యహ 2 వ్యక్తి కే బేచ్ తులనా బి హువా 1 హే సీతా 2 హే గీతా ఔర్ ఇన్కే బేచ్ తులనా కీ అగర్ ఇస్కా హిందీ కీవర్డ్ హం బడే తో దేఖియే as..h యా so..h కా ప్రయోగ హం jitna ఔర్ itna కే అర్థ మే కర్తే హే జైసే సీతా jitna tez హే utna geeta హే యాని సీతా utna tez హే jitna geeta హే అబ్ ఇస్ తరా ఇస్కో హిందీ కర్ సక్తే హే ఓకే లేకిన్ ఇస్మే 1 baat ఔర్ yaad rakhiyega एच डॉट डॉट एच का जो प्रयोग होता है निगेटिव में भी होता है निगेटिव में भी निगेटिव सेंटेंस में भी एच डॉट डॉट एच का प्रयोग कर सकते हैं जैसे यहाँ सो के बदले अगर यहाँ आप एच का प्रयोग करेंगे तो भी सेंटेंस सही होगा बट एक बात ध्यान रखिएगा निगेटिव सेंटेंस में सो डॉट डॉट एच का ही प्रयोग अच्छा माना जाता है बेहतर माना जाता है और यही आप लोग के लिए आपके ग्रामेटिकल व्यू से अच्छा लेकिन एच डॉट डॉट एच का प्रयोग भी गलत नहीं माना जाता है तो आपको पॉजिटिव डिग्री में इतनी बातों को अच्छे ढंग से याद रखना है अगर थोड़ा भी अगर दिक्कत है तो मैं बार बार कहता हूं कमेंट में अवश्य लिखिए तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं कल हम लोग कंपेटिव डिग्री पर डिस्कस करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम अभ्यू से सो डियर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में लिखिए आज का क्लास आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिए कि आप यूट्यूब पर क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कर सकते हैं और जो स्टूडेंट को मेटेरियल चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल सुंदरम्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पर सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ ज़्यादा भी सब्सक्राइबर नहीं है न्यू चैनल है इसलिए उसमें बहुत से बहुत नाइनटीन के लमसम सब्सक्राइबर आए हैं तो आप वहां जाके मेरे मेरी टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करिए जहां आपको आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी जो मैंने अभी पढ़ाया है तो आज भर इतना ही रहने दीजिए फिर कल मिलेंगे थैंक यू सी यू टुमारो बाय